इसमें डालेंगे घी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास अगर घी नहीं है तो आप तेल में भी बना सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग, 10 काली मिर्च लिए मैंने, वो इसमें डाल देते हैं। 1 मोटी वाली इलायची, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता होता वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सूखे थे मैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स करके डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, मैंने 1 हरी मिर्च ली थी, 2 टमाटर ली थी, उनका पेस्ट बना लिया, वो इसमें डाल देते हैं। डाल देंगे इसमें नमक, ये मैंने उड़द दाल ली थी 1 कप, आप घर की कोई भी कटोरी या गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से धो के लिया है, इसमें डाल देते हैं। तो मैंने 1 कप दाल का लिया था, तो मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ, और कम लगेगा तो हम बाद में वो डाल देंगे इसमें। मैंने 2.5 कप दाल पानी डाला इसमें, आपको ज्यादा गाढ़ी या पतली जिस तरह की अच्छी लगे आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसकी मैं 1 सीटी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गैस को कर दूंगी काम और 2 मिनट तक और पकने दूंगी। गैस को कर दिया मैंने बंद और इसका प्रेशर अपने आप खत्म होने देती हूँ। तो अब हम चेक कर लेते हैं प्रेशर अपने आप खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे गाढ़ी लग रही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। गैस को कर लेंगे ऑन, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये दाल गाढ़ी होती है। अगर आपको ज्यादा पतली पसंद है या गाढ़ी, उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो मैं इसको किसी बर्तन में निकाल रही हूँ, ये देखिए। तो गैस को करेंगे ऑन और कम कर लेते हैं। इस पे रखेंगे हम तड़का पैन और इसमें डाल देंगे घी। ये हमारा मेल्ट हो गया, तो मैं इसमें डालूंगी जीरा और 1 लहसुन की लाल मिर्ची। और गैस को कर देंगे यहाँ पे बंद, और मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा चम्मच से हिला लेंगे। अब लगा देंगे इसमें तड़का। Bye.
मैं इसमें डाल लूँ क्रीम, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिए, अगर आपके पास नहीं हो तो आप रहने दीजिए। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आगे आपको क्या खाना पसंद आया वो भी बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।